स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस द वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग ए पीरियड. मतलब व्हेन वी मूव अलोंग ए पीरियड मीन्स लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल. लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल जो आयनाइजेशन एनर्जी है वेदर इट इंक्रीज और वेदर इट डिक्रीज व्हाट हैपन. ठीक है, what is ionization energy? We recall ionization energy is energy required to remove valence electron. मतलब ionization energy के हमें energy चाहिए valence electron को बाहर निकालने के लिए. As we move, we take the examples of the second period: lithium, beryllium, boron, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड न्यून. ठीक है, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड लेस वी इट्स साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग. साइज है उसका जो क्या डिक्रीज करता है. वाई साइज डिक्रीज बिकॉज इन दिस फर्स्ट रीजन इलेक्ट्रॉन एड इन द सेम सबशेल. जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम सबशेल में क्या करते हैं, ऐड करते हैं. सेकंड इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इज ग्रेटर देन स्क्रीनिंग इफेक्ट. तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट है वो ज़्यादा एज कंपैरिजन टू स्क्रीनिंग इफेक्ट. उसका साइज दो वजह से डिक्रीज करता है नेचुरली. अब देखो, अगर लिथियम का साइज हमारे पास इतना है, अगर हम सपोज करते हैं कि लिथियम का साइज हमारे पास इतना है, तो जो हमारे पास नियोन है उसका साइज हमारे पास है 10 तो आप खुद ही बताओ कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी. तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है गोज ऑन इंक्रीजिंग.